Good morning dear students, in today's class we will study the new words and page number 162 of lesson 19. Here before starting page number 162 we will see the new words of this chapter. The new words of this chapter are फर्स्ट है इंस्टीड. इंस्टीड का मतलब होता है के बदले में. फिर लैक. लैक का मतलब होता है कमी या फिर अभाव होना. फिर स्टे. स्टे का मतलब होता है सुअर खाना यानी सुअर के रहने की जगह. फिर कैनल. कैनल का मतलब होता है कुत्ता घर जहाँ कुत्ता रह कुत्ते लोग रहते हैं या फिर पपी रहता है. इस नंबर 162 के रीडिंग इज फन टॉपिक पे. तो इसमें पहला क्वेश्चन है आर दिस सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं. तो पहला सेंटेंस है ए लिटिल ग्रीन फ्रॉक सेड क्वैक क्वैक. वो छोटा हरा कलर का जो मेढक होता है वो क्या कहता है? क्वैक क्वैक कहता है. तो नहीं, वो क्वैक क्वैक नहीं कहता, वो क्रॉक क्रॉक कहता है. तो इस तरह से ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा. तो इसमें हमने फॉल्स लिख दिया है. फिर है नेक्स्ट है ए लिटिल पिग लव टू मेक अ रॉ. वो जो छोटा सुअर रहता है उसको रो बनाना पसंद था. तो उसको रो बनाना पसंद नहीं था, उस पप्पी को रो बनाना पसंद था. तो ये सेंटेंस भी फॉल्स हो जाएगा. फिर थर्ड सेंटेंस है ए डक ओनली सेड क्रॉक क्रॉक. एक डक जो है क्रॉक क्रॉक सिर्फ क्रॉक क्रॉक कहती है. तो नहीं, डक जो है क्रॉक क्रॉक नहीं कहता है, वो क्वैक क्वैक कहता है. तो ये भी सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा. लास्ट सेंटेंस है इसका ए पिग क्राइड अ लॉट वी वी. पिग जो है कैसे चिल्लाता है? वी वी करके चिल्लाता है. तो हाँ, ये वी वी करके चिल्लाता है. तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से हमने ये ट्रू और फॉल्स किया. उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इस पेज नंबर पे लेट्स टॉक. सीमा टॉक्स ए लॉट एंड हर ब्रदर कॉल्स हर टॉकेटिव. सीमा जो है बहुत बात करती है इसलिए उसका भाई उसे टॉकेटिव बुलाता है. डू यू थिंक सीमा शुड टॉक? तुम्हें क्या लगता है सीमा को इन सब मतलब कि कब बात करना चाहिए? ये कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं तो आपको बताना है, यस और नो लिखना है. इसमें आपको बताना है कि उस समय सीमा को बात करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. पहला सिचुएशन है व्हेन द टीचर इज़ टीचिंग इन क्लास. जब उसके टीचर क्लास में पढ़ा रहे हों तो सीमा को बात करना चाहिए. तो यहाँ पर हो जाएगा नो, सीमा को नहीं बात करना चाहिए, उसे टीचर की बात ध्यान से सुनना चाहिए. इसलिए उसे करना चाहिए. तो इस समय सीमा बात कर सकती है क्योंकि जब खेल जब लोग खेल कूद करते हैं तो वो एक दूसरे से बात करते हैं. ठीक है, उसके बाद है व्हाइल सी इज ईटिंग. जब वो खाना खा रही होगी तो खाना खाते वक्त कोई भी बात नहीं करता है. ठीक है, खाना खाते वक्त इंसान चुपचाप बैठकर खाना खाता है, वो किसी से बात नहीं करता है. तो इसमें नो हो जाएगा. फिर लास्ट सिचुएशन है व्हेन मदर आस्क्स हर अबाउट व्हाट हैपेंड इन द स्कूल. जब उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हारे स्कूल में आज क्या सब हुआ, उसने दिन भर स्कूल में क्या सब किया. तो इस ये क्वेश्चन जब उसकी माँ उसको पूछती है तो इस क्वेश्चन का उसे जवाब देना चाहिए, उसे बताना चाहिए. तो इसका आंसर हो जाएगा यस. ठीक है, इस तरह से आपको यस और नो में आंसर करना है. और इस तरह से आपका पेज नंबर 162 कंप्लीट हो जाता है. आपको होमवर्क में ये न्यू वर्ड्स और इसके क्वेश्चन आंसर बनाने हैं. ठीक है, और नेक्स्ट पेज नंबर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.